सोटे सेटिंग से मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा कि जनरली जो हम लोग फ्रेम बनाते हैं वो फ्रेम का बेसिकली कहाँ पे क्या पार्ट लगाते हैं, क्योंकि जनरली हम जब फोमिंग करते हैं अफोस्ट्री करने के बाद अंदर क्या है वो चीज़ दिखती नहीं है। तो इसलिए ये वीडियो बना के मैं सिर्फ दिखाना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली हम लोग लगाते कैसे हैं और इसकी स्ट्रेंथ कैसे हम आप डिसाइड कर सकते हैं। ये इसके साइड हैं, ये एक साइड है और दूसरा ये साइड है। अब ये साइड की बात करें तो आप देखिए दो फ्रेम है, ये 16 mm की ड्यूरो प्लाई है, ठीक है, जिसमें इसमें देखिए आप ड्यूरो प्लाई देख सकते हैं, ये हम लोग सिर्फ और सिर्फ ड्यूरो प्लाई लगाते हैं। ये 16 mm की ड्यूरो प्लाई है जो अंदर वाले साइड में रहता है, यानी कि जैसे ये अंदर वाले साइड में, क्योंकि इसके साथ मैकेनिक जो मैकेनिज्म है उसको स्क्रू करना होता है, इसको फिक्स करना होता है। द आउटसाइड साइड ये जो बाहर वाला हिस्सा है वो 9 mm का होता है ड्यूरो प्लाई का, और इसके बीच में जितने भी आप देख रहे हैं ये फट्टे देख रहे हैं वुडन पार्ट है, वुडन बैटन जिसको आप देख रहे हैं 2-2 इंच के बीच बीच में ये सारे के सारे इसको सहारे दे रहा था। अंदर भी देख सकते हैं, अंदर वाला पार्ट भी देख सकते हैं आप, ठीक है। और ये आपका कफ होल्डर है, यहाँ पे अपहोल्स्ट्री होता है, सेम इधर वाले साइड में भी है, जो बैक दूसरे वाला साइड है उसका भी वही है। बीच का मैकेनिज्म है, ठीक है, ये वुडन बैटन है यहाँ पे भी फ्रंट एंड बैक में, और फिर आपको यहाँ पे ये जो है वुडन से आप प्लाई से आपको ये बैकअप मिलता है जिसके साथ ये मशीन को स्क्रू किया जाता है। ये ओकिन का मीन्स मैकेनिज्म विद द मोटर हम लोग यूज़ करते हैं। अब मैं दिखाता हूँ बैक, जिसका बैक है आप बैक देखेंगे तो बैक जो है बेसिकली ये पूरा का पूरा जो वुडन बैटन के ऊपर फ्रेमिंग है, पगड़ी का जरा गुरु जी, जो फ्रेमिंग है ये वुडन बैटन है, सॉलिड वुड है। उसके बाद ये पूरा के टू देख रहे हैं आपको 16 mm के डबल वो है प्लाई है दोनों साइड में, और फिर वुडन बैटन इस तरह से है, और फिर निवाड़ उसके ऊपर हाई क्वालिटी का निवाड़ लगा हुआ है, अब ये देख सकते हैं। और ये आपका बैक है। उसके बाद अगर आप बात करते हैं सीट की तो ये सीट है पूरा का पूरा फ्रेमिंग है, अगर आप बैक से देखें सॉलिड वुड है, सॉलिड वुड को चारों तरफ से फ्रेमिंग की हुई है, राइट। और उसके बाद इसको शेप देने के लिए यहाँ पे प्लाई दिया हुआ है, ये भी जुड़ो प्लाई है, और बीच में स्प्रिंग है। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है जनरली जो हम लोग यूज़ करते हैं। आप इससे 10 साल क्या, 20 साल क्या, 25 साल क्या, कभी आपको हिलने वाला नहीं है, ये स्ट्रक्चर इतनी स्ट्रांग है। और क्योंकि जो ड्यूरो प्लाई है तो ये टर्माइट प्रूफ है, तो इसमें कुछ होना ही नहीं है, ये हमेशा के लिए आपका चलता रहेगा। थैंक यू।